राहुल वैद्य कर रहे हैं अपनी पर्सनल स्पेस में काफी सारी चीजें एंजॉय, और अब फिर से दिशा परमार के साथ कहीं उड़ चले हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था, जैसे ही बिग बॉस सीजन 14 से घर से बाहर आए थे राहुल वैद्य, उन्होंने दिशा परमार के साथ एक शॉर्ट वेकेशन लिया था। हालांकि उन्होंने जो है कहीं गए नहीं थे, वो उड़ान भर के फ्लाइट में कहीं नहीं गए थे। ही वेंट बाय अ रोड, इट वॉज अ रोड टूअर, जहाँ पर वो जो है एक शॉपर में जरूर घूमे थे। इसके अलावा अब राहुल वैद्य दिशा परमार के साथ हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट, तो उन्होंने सभी को बताया किस तरीके से 1 साल 15 दिन बाद उनकी ये पहली फ्लाइट होने वाली है। बिकॉज द लास्ट टाइम ही फ्लाइट वॉज ऑन मार्च 15, और अब 1 अप्रैल को फ्लाई कर रहे हैं, तो पूरा एक साल तो गुजर ही गया है, साथ में 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, और अब जाके फाइनली वो एक फ्लाइट लेने वाले हैं। वही कोविड का सिनेरियो ऐसा रहा था कि लोग जो है उड़ानें नहीं भर पा रहे थे, दे वर स्टक एट होम, एयरलाइंस वर क्लोज फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड। और उसके बाद भी राहुल वैद्य जब उड़ान भरने के लिए तैयार भी हो सकते थे, तो फिर वो बिग बॉस के घर में पहुंच गए थे, वहां पे 5 महीने गुजारे, और फाइनली अब उन्होंने उड़ान भरी है। तो उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है, इट इज टाइम टू फ्लाई। जी हाँ, कुछ पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर की हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, जिसमें वो अपने डैपर लुक में नजर आ रहे हैं, और लिखा है, इट इज टाइम टू फ्लाई एंड फ्लाइंग विद दिशा परमार विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर राहुल वैद्य। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे राहुल वैद्य और दिशा परमार के इस शॉर्ट गेट अवे के लिए, जिसमें उन्होंने अपने लिए एक थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है। वैसे वो लोग एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, चाहे होली के मौके पर हो या फिर दिशा के साथ डिनर डेट्स पर जाना हो। राहुल वैद्य शेयरिंग ऑल इज लव ऑन हिज लेडी लव। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस कपल के बारे में और इनके शॉर्ट वेकेशन के बारे में, जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।